उधर कैथल के अग्रसेन धर्मशाला में बजट संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा मंत्री कर्णपाल गुर्जर ने शिरकत की। कार्यक्रम में कर्णपाल ने बजट की सराहना करते हुए प्रदेश के लिए हितकारी बताया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट प्रस्तुत करने से पहले सभी विधायकों को आमंत्रित करके सबकी सलाह ली। ये बजट ग्रामीण विकास के साथ साथ कृषि विकास को भी गति देगा। बजट के अनुसार जिन परिवारों की आमदनी 1,80,000 रुपए सालाना से कम है, उनमें 2,00,000 लोगों की गरीबी को दूर करने के लिए उनको रोजगार देने के अवसर प्रदान करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने जनता की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। मेरा मानना है कि ये जो बजट है ये विकासशील बजट है, और जो टारगेट माने प्रधानमंत्री जी ने दिया 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना, तो जिस प्रकार से केंद्र का बजट आया उसी प्रकार से ये बजट भी है। ये बजट निश्चित तौर से जो ग्रामीण विकास है उसको गति देगा, जो कृषि है उसको गति देगा, और जो गरीबी है उसको दूर करने के लिए और जो रोजगार है उसको आगे बढ़ाने के लिए ये बजट जो है हमारा निश्चित तौर से काम करेगा। और जो हमारा टारगेट रखा गया विकास दर वो 7.1 रखी गई, और मेरा मानना है कि 7.1 बहुत अच्छी विकास दर है, चाइना की 4 से भी कम है। तो ऐसे में हम निश्चित तौर से जो देश की विकास दर है उससे ज्यादा हम निश्चित तौर से करके देंगे।